दोस्तों आज समझ में नहीं आ रहा है हमें कि वीडियो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि YouTube के जो रवैये हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हम परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी वीडियोस हम लगभग 2 से 3 दिनों में एक वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन YouTube का क्या रूल है कि ये हमारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है हमारे सब्सक्राइबर के पास में नहीं भेजता है, जिसके कारण हमारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर विजिट नहीं कर पाते हैं और उनको ना तो उनके ब्राउज फीचर में जाता है इनकी, ना तो उनके स्क्रीन पर दिखता है और ना ही उनको कोई मैसेज प्राप्त होता है, ना कोई ईमेल प्राप्त होता है, ना तो नोटिफिकेशन कोई मिलता है कि इस चैनल पे वीडियो अपलोड हुई। तो ये यूट्यूब का एक बहुत बड़ा बग है और जो कि सभी यूट्यूबर्स से फेस कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स को छोड़ के और बाकी जितने सारे छोटे यूट्यूबर्स हैं वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उनके सब्सक्राइबर्स की क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यूट्यूब उनके जो भी न्यूली अपलोड वीडियो होते हैं, जो नए वीडियो अपलोड करते हैं, उनका नोटिफिकेशन उनके सब्सक्राइबर के पास में नहीं भेजता है, जिनके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो भी नए वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका वीडियो चलता नहीं है या फिर उस पर काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे लगभग 3.5 लाख के करीब में सब्सक्राइबर्स हैं और जो कि नोटिफिकेशन जाता है हमारे सब्सक्राइबर के पास में 2000-3000 इसी तरह के नोटिफिकेशन जाते हैं, यानी कोई वीडियो पे 1000 व्यूज़ आते हैं, किसी पे 2000, किसी पे 3000, 10000 व्यूज़ भी नहीं पहुंच पाते, जबकि सब्सक्राइबर की संख्या है 3,50,000। इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर के पास में उसका नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। कई लोगों ने कमेंट भी किया और उन्होंने बताया कि हमें कोई नोटिफिकेशन ही नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हम जब लाइव सेक्शन में आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन में नहीं मिल रहे हैं। तो ये यूट्यूब का जो रवैया है काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ये जो यूट्यूब का रेगुलेशन है, रूल है, ये केवल बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स के जितने सारे वीडियोस होते हैं वो ट्रेंडिंग पेज पे होते हैं, जिनके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, लेकिन हम लोगों का सब्सक्राइबर बेस भी है लगभग 3,50,000 या 60,000 के करीब में सब्सक्राइबर हैं जिस टाइम पे वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन जाता है 3,000-4,000 या फिर 5,000 लोगों के पास में ही जाता है, जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं चल पाता किस चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं YouTube को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे छोटे यूट्यूबर्स जितने हैं या फिर हम हैं, जो जितने सारे छोटे चैनल्स हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर केयर करें, उसे देखें और इसमें सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और काफ़ी लोग इसीलिए यूट्यूब को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और अगर यूट्यूब को हम मेल भी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी करते हैं, तो कहते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स से आप बताइए, हमें फीडबैक दें, तो हर सब्सक्राइबर फीडबैक नहीं दे सकता है, क्योंकि हर लोगों के पास में इतनी एजुकेशन नहीं होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कहां से हम फीडबैक शेयर करें, कैसे क्या करें। तो YouTube से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो भी उनके एल्गोरिथम के अंदर, सिस्टम के अंदर जो भी कमी है उसको दूर करें और छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करें, ताकि उनका भी चैनल बड़ा हो सके, ना कि केवल जो मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को सपोर्ट करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। दोस्तों ये एक छोटा सा क्लिप था जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे लोगों को, तो उन लोगों ने हमें कमेंट करके बताया और कहा कि इसमें सुधार करवाने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए मैं एक YouTube के लिए मैसेज था कि अगर YouTube का एम्प्लॉय कोई भी हमारा वीडियो देख रहा है तो ये जो उसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर ये जो बग आ गया है उसे दूर करने की कोशिश करें।